Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our Expression English book 5, and we are going to start with our first unit, and its name is Go Green Go Smart. So, my dear students, please let me know if you have ever planted a tree. Let's start our lesson with it. Let's get going. You are going shopping with your mother, you need to buy a few things. लोकेट द लिस्ट ए एंड लिस्ट बी एंड मार्क द आइटम्स डेट यू वॉन्ट टू परचेज फ्राम ईच लिस्ट यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हुई हैं लिस्ट ए में और लिस्ट बी में आपने इसमें से मार्क करना है कि आप कौन सी चीज़ें खरीदेंगे चेक हाउ स्मार्ट अ शॉपर यू आर इफ यू हैव मार्क आइटम्स मोस्टली फ्राम लिस्ट ए देन यू डू नॉट नो मच अबाउट द नीड फॉर कीपिंग योर एनवायरमेंट क्लीन अगर आपने ज्यादा चीज़ें लिस्ट ए में से एड की हैं तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इफ़ यू हैव मार्क मोस्ट ऑफ़ द आइटम्स फ्रॉम लिस्ट बी देन कॉन्ग्रेट्स यू आर सर्टनली आ स्मार्ट शॉपर और अगर आपने लिस्ट बी में से ज्यादा चीज़ें चेक की हैं तो बहुत मुबारक हो यू आर अ वेरी स्मार्ट शॉपर बाई शॉपर इट मीन्स द पर्सन हु बाई थिंग्स रीड सम एंट्रीज फ्रॉम द डायरीज ऑफ हमज़ा अ टेन ईयर ओल्ड बॉय एंड डिसाइड इफ़ ही इज़ अ स्मार्ट शॉपर आइए हम हमजा की डायरी पढ़ते हैं जो कि दस साल का एक लड़का है और हम देखते हैं क्या वो एक स्मार्ट शॉपर है लेट स्टार्ट द रीडिंग हमजा इज अ ब्राइट स्टूडेंट ही हैज़ टॉप ग्रेड फोर विद फ्लाइंग कलर्स नाउ ही इज इन गुड फाइव ही इज फेवरेट ऑफ हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑल हिज क्लासमेट्स लाइक हिम वेरी मच टू नो द रीजन फॉर हिज पॉपुलैरिटी लेट स्पीप थ्रू सम पेजेज ऑफ हिज डायरी हमजा अपनी क्लास का एक बहुत स्मार्ट बच्चा है और वो अपने पेरेंट्स का अपने टीचर्स का फेवरेट है अपने क्लासमेट्स का फेवरेट है और वो क्यों पॉपुलर है हम ये जानने के लिए उसकी डायरी के कुछ पेज पढ़ेंगे सो द डेट अप्रैल टू ट्वेंटी ट्वेंटी ये पेज उसने अप्रैल टू को सेकेंड अप्रैल को लिखा था एंड द ईयर इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी आई एम वेरी हैप्पी आई हैव टॉप माई क्लास टुडे आई वेंट शॉपिंग विद माई मदर On my way to the market, I saw the road littered with all kind of refuse. Disposable glasses, plates, spoons, old tiles, school bags, marathon bags, empty mineral bottles, old notebooks and much more. It was a horrifying sight. Mother told me to do my bit for the environment. I was curious. Mother and I went a little further and saw two different coloured bins put by the side of a park. One blue and the other green. हमजा इज़ टेलिंग कि आज वो अपनी मदर के साथ शॉपिंग के लिए गया क्योंकि उसने क्लास टॉप की थी और उसने देखा कि रास्ते में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने रोड पे गंद फैलाया हुआ है जैसे कि ग्लासेस जैसे प्लेट स्पून डिस्पोजेबल ग्लासेस और उसके बाद कुछ खिलौने स्कूल बैग्स और प्लास्टिक के बैग्स और बहुत सी मिनरल बॉटल्स भी और वो ये देख के बहुत परेशान हो गया कि इस रोड पर इतना गंद है उस वक्त उसकी मदर ने उसे बताया कि उसे अपने इन्वामेंट को साफ रखने के लिए अपना पार्ट प्ले करना चाहिए अब वो क्या कर सकता है उसने देखा कि रोड के एक साइड पर दो बास्केट्स हैं दो बिन्स हैं एक ब्लू कलर का और दूसरा ग्रीन कलर का मदर एक्सप्लेन्स टू मी अबाउट रिड्यूस री एंड रिसाइकल द थ्री आर्स ऑफ द इन्वायरमेंट द ग्रीन बिन वॉज मैन टू पुट इन आइटम्स डेट कैन बी रिसाइकल ग्लास मेटल पेपर एंड प्लास्टिक द ब्लू बिन वॉज फॉर बायोडिग्रेडेबल आइटम्स डेट वुड बी यूज टू मेक कम्पोजिट बाई दिस टाइम आई वॉज़ फीलिंग थर्सडी वो बताता है कि उसकी मदर ने उसको रिड्यूस री यूज और रिसाइकल यानी थ्री आर्स जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हैं उनके बारे में बताया ग्रीन बिन का मतलब ये था कि हम उसमें ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं जैसे कि ग्लास जैसे कि मेटल जैसे कि पेपर जैसे कि प्लास्टिक और ब्लू बिन में ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि कंपोजिट हो जाती हैं बाई दिस टाइम आई एम फीलिंग थर्सडी उस वक्त उसे प्यास लग गई I reached for a can of cola at a kiosk, but mother stopped me and instead bought a tetra pack of juice that would be thrown in the blue bin to reduce waste. It was an eye opener. We bought some groceries, fruits, and other household items that my mother put in the cloth carry bag which she had brought with her. मैं क्यूसिक में से एक कोला का कैन लेने वाला था लेकिन मेरी मदर ने मुझे रोक दिया और मुझे कहा कि एक जूस का टैट्रा पैक ले लो बिकॉज कि वो हम ब्लू बिन में छोड़ देंगे और इससे हमारे वेस्ट में रिड्यूस होगा हमारा वेस्ट हमारा जो कूड़ा है वो कम होगा ये मेरे लिए बहुत हैरान कन बात थी और उन्होंने क्या ख़रीदा ग्रोसरी सब्जियां फल और दूसरी घर की चीज़ें और उसकी मदर ने वो सारी चीज़ें एक प्लास्टिक के बैग में नहीं बल्कि घर के कपड़े के बने हुए बैग में रखी जो वो अपने साथ ले आई थी ना लुक एट द अदर पेज ऑफ द डायरी ऑफ हमजा एंड्रेड्स ऑन अप्रिल सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी our class has decided to organize a green week our class teacher ms mariam discussed with us the ways to reduce waste how exciting and rich in the session was the discussion became lively as students gave their opinion enthusiastically i told the class to use the reverse side of the printouts to do their rough work or practice math sum हमारी क्लास ने एक ग्रीन वीक ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया हमारी टीचर मिस मरियम ने हमें वेस्ट रिड्यूस के बारे में बताया ये बहुत एक्साइटिंग सेशन था इस डिस्कशन में सब स्टूडेंट्स ने बहुत पुरजोश तरीके से पार्टिसिपेट किया मैंने अपनी क्लास को बताया कि हम अपने प्रिंट आउट्स की बैक साइड को अपने मैथ के क्वेश्चन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हम कम से कम पेपर यूज़ करें सब बहुत खुश हुए मिस मरीम टोल डेट फॉर एवरी फोर्टी टू नोटबुक फ्राम वन हंड्रेड रिसाइकल पेपर एंड एंटायर ट्री वॉज सेव कि अगर फोर्टी टू नोट बुक्स मेड फ्राम वन हंड्रेड रिसाइकल पेपर अगर रिसाइकल पेपर की मदद से हम वन फोर्टी टू नोटबुक्स बनाते हैं तो ये एक ट्री को बचाता है शी कंक्लूडेड बाई सिंग लुक फॉर द साइन ऑफ थ्री आर्स द होल क्लास क्लैप्ड उन्होंने अपनी बात ख़त्म की ये कहते हुए कि थ्री आर्स के साइन की तरफ देखें पूरी क्लास ने उनके लिए तालियां बजाई महक डिसाइडेड अस टू यूज क्लॉथ नैपकिनस एंड री यूजल प्लेट्स इन द प्लेस साइड ऑफ डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स एंड नैपकिन महक ने हमें बताया कि हम कैसे घर के बने हुए नैपकिन और री यूजबल प्लेट्स या डिस्पोजेबल प्लेट और नैपकिन यूज़ कर सकते हैं वेस्ट को बचाने के लिए आई लाइक अब्दुल्लाज आइडिया ऑफ शेयरिंग ओल्ड टॉयज एंड मैगजीज इंस्टेड ऑफ़ थ्रोइंग दैम अवे मुझे अब्दुल्ला का आइडिया बहुत पसंद आया जिसने हमें कहा कि हम बजाय इसके कि अपने पुराने खिलौने और मैगजीन फेंक दें हम वो किसी के साथ शेयर कर लें शानजे रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ अस टू तो ब्रिंग वाटर बॉटल्स एंड अवॉइड बाइंग पैकेज वाटर शानजे ने हम सबसे रिक्वेस्ट की कि हम घर से अपनी वाटर बॉटल्स लेके आएँ और बजाय इसके कि हम पैकिंग वाली बॉटल्स खरीदें टू सेलिब्रेट अर्थ आर वंस अ मंथ वॉज द ग्रेट आइडिया ऑफ सात महीने में एक दिन अर्थ आर सेलिब्रेट करने का आइडिया साथ का था विच वॉज ह्यूजली अप्रॉडेड जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली बाई द एंड ऑफ द क्लास आई वॉज वॉइज एंड फुल ऑफ ग्रीन आइडियाज़ क्लास ख़त्म होने तक जब मैंने बहुत सी सी चीज़ें सीखी और मुझे बहुत से आइडियाज़ मिले जो मेरी दुनिया को सब्ज बनाने में मदद करेंगे द थ्री आर्स इम्प्रेस्ड मी सो मच डेट आई डिसाइडेड टू राइट अबाउट दैम हेयर एज अ स्ट्रॉग रिमाइंडर On the three Rs, recycle means to make new things from old ones. Paper, scrap iron, old aluminium cans and glass bottles can be recycled. Paper is made into pulp and then into paper again. ये three ideas ने मुझे इतना impress किया कि मैं यहाँ पर अपने diary में reminder के लिए एक note लिख रहा हूँ. Recycle का मतलब है, वह ऐसी चीजें जो पुरानी चीजों से बनाए जा सकें, जैसे paper, scrap iron, old aluminium cans और glass bottles. दे कैन भी रिसाइकल पेपर को पल्ब बनाया जाता है उससे दोबारा पेपर बन सकता है मेटल एंड ग्लास आर क्रश मेल्टेड एंड यूज फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स मेटल और ग्लास को भी क्रश किया जाता है उसको मेल्ट किया जाता है और फिर उससे नई चीज़ें बन सकती हैं डी यूज़ मीन्स क्लीनिंग एंड यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट्स अगेन मोटर पार्ट्स एंड ग्लास बॉटल्स आर यूज अगेन बाई द कंपनीज विच डील विद दैम डी यूज़ का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों को क्लीन करके सेम ऑब्जेक्ट बना दिया जाए जैसे कि मोटर पास ग्लास बॉटल जिनको धो के दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है और बहुत सी कंपनीज इन ये सारे काम करती हैं रिड्यूस मीन्स डेट वी शुड ट्राई टू रिड्यूज़ द गार्बेज डेट वी प्रोड्यूस वी कैन डू सो बाई यूजिंग थ्रो अवे थिंग्स हम रिड्यूस का मतलब यह है कि बजाय ये कि हम चीज़ों को यूज़ करें या फेंक दें हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कम से कम गारबेज में जाएं और हम उनको थ्रो अवे करने की बजाय किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकें अप्रैल टेन ट्वेंटी ट्वेंटी देर इज़ अनदर पेज फ्रॉम हम डायरी एंड ही राइट्स नाउ आई थिंक आई कैन शॉप स्मार्टली एंड कॉन्फिडेंटली आई वॉज फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल वाइल बाइंग माई स्टेशनरी एंड नोटबुक्स आई मेड श्योर टू लुक फॉर द रिसाइकलबल साइन ऑन एवरी आइटम आई बॉट आई आस्क द शॉपकीपर टू गिव मी अ नॉन टॉक्सिक कलर्स एंड मार्कर्स एंड यस आई डिड नॉट फॉरगेट टू कैरी माई स्मार्ट जू बैग टू पुट माई शॉपिंग इन अब मैं स्मार्ट शॉपिंग कर सकता हूँ मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ जब मैं अपनी स्टेशनरी खरीदता हूँ या नोटबुक्स खरीदता हूँ मैं ऐसी चीज़ें खरीदता हूँ जिन पर रिसाइकल का साइन हो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं शॉपकीपर से हमेशा ऐसे, ऐसे मार्कर्स या कलर्स मांगता हूँ जो नॉन टॉक्सिक हों केमिकल से पाक हों और हाँ मैं नहीं भूलता कि मैं अपना बैग साथ लेके जाऊँ जब भी मैं कुछ खरीदने के लिए मार्केट जाता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट द थ्री आवर्स ऑफ द इन्वायरमेंट रिड्यूस री एंड रिसाइकल हाउ कैन यू प्रैक्टिस दीज विद रिलेशन टू द फॉलोइंग वेस्ट मटीरियल्स आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं लुक एट द थिंग्स गिवन हेयर आपको यहाँ कुछ चीज़ें बताई हुई हैं आप बताएंगे कि आप ये फार्मूला कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एंड द थिंग्स आर न्यूज़पेपर डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल प्लेट्स और एनीथिंग कटलरी ओल्ड क्लॉथ्स एंड कोला कैंस हाउ कैन वी रिसाइकल दिस थिंग और री यूज दिस थिंग इन आर डेली लाइफ प्लीज गिव मी योर आंसर्स लेट्स लुक एट द डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर देयर मीनिंग्स ग्रोजरीज मीन्स फूड आइटम्स आइटम्स मीन्स थिंग्स स्मार्ट मीन क्लेवर पीप टू लुक क्विकली एंड सीक्रेटली Refuse. Waste material. Horrifying. Making one feel shocked, disgusted, or frightened. Curious. Having a strong desire to know something. Reuse to use a thing by changing it into another form. Recycle. Recycle means to treat use things so that they can be used again. Cusic, a small shop open at the front where newspapers, drinks, etc. are sold. Concluded. Said something at the end. Earthar, a worldwide event organized annually towards the end of March, encouraging people to turn off their non-essential lights for one hour. Applauded, show approval. Decreased, become less. Purchased, buy. Environment, surroundings, littered, spread around. Reduce to minimize. My dear students, please read the story again. Learn all the difficult words for their meanings. Underline the words and learn their spellings too. And do the dictation in your notebook. We will see you in the next video. Take care. Allah. Hafiz.